हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलसी ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनता है और इसका डिस्चार्जिंग और चार्जिंग मेथड को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इसमें समझेंगे कि इसको ऑसिलेटर क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने मैथमेटिकल इक्वेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एलसी ऑसिलेटर है जिसमें हम एक कैपेसिटर को एक इंडक्टर के पैरेलल में लगाएंगे। देखिए, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, दोनों को हम पैरेलल में लगाएंगे और इस सर्किट को बोलते हैं एलसी ऑसिलेटर। ठीक है, तो अब सिंपल सा सर्किट है, तो इसमें हमने क्या लगाना है, केवीएल लगाना है। तो हम केवीएल लगाएंगे तो हमारे पास में वोल्टेज के कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज आएगा और इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज आएगा। तो चलिए इसके इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं यूजिंग द केवीएल मेथड। तो जब हम इंडक्टर कैपेसिटर के अक्रॉस में लिखेंगे तो क्यू अपॉन सी लिखेंगे, और जब इंडक्टर के लिखेंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे, और इन दोनों का सम जीरो रहता है। क्यू अपॉन सी आपको चैप्टर टू में पोटेंशियल वाले चैप्टर से मिल जाएगा, और माइनस एल डी आई बाई डी टी आपको सोलेनाइड वाले चैप्टर से भी मिल जाएगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, आपको करना क्या है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और दोनों में से हम L को कॉमन ले लेते हैं, इंडक्टर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये आया Q। अब इसके पास तो L है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नीचे L ले लेंगे। तो जब इसका हम रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये L और L कैंसिल हो जाएगा और हमको फिर से Q अपॉन C मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को ऐसे ही बनाया जाता है। अब इसमें से L बाहर निकाले तो ये आया डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। इस L को नीचे ले आइएगा तो आपको आएगा Q अपॉन एल सी माइनस डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये 1 अपॉन एल सी आ रहा है और ये Q मल्टीप्लाई है इससे, और हमारे पास में फॉर्मूला है 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। ये कैसे आता है, ये आता है आपका डब्ल्यू एल माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू सी से, डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर बन जाएगा और एल आपका नीचे आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा था। तो 1 अपॉन एल सी क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर क्यू माइनस डी आई बाई डी टी, और ये आई। अब आई हमको मालूम है कि आई क्या होता है, तो आई जो होता है वो होता है माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हमको यहाँ पुट कर देना है। तो ये आएगा ओमेगा जीरो क्यू माइनस डी आई बाई डी टी माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये माइनस माइनस को आप प्लस कर लीजिएगा तो ये आएगा ओमेगा जीरो क्यू माइनस माइनस प्लस डी अप स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बन गया है ये हमारा। अब चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास में आएगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो क्यू इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक का एक इक्वेशन बनता है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर इस क्यू को आप एक्स के फॉर्म में लिख लें तो भी हमारा ये एक सिंपल हार्मोनिक का फॉर्म में बनता है। इसको आप 11 चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि ये एक साइन फंक्शन या उसी टाइप का कोई फंक्शन बनाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन समझते हैं कि ये फंक्शन कौन सा बनाएगा और इसका फेस क्या होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अगर इसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है, जब हमारा इसमें से करंट फ्लो होगा तो वो कौन सा फंक्शन बनाएगा और उसका फेस क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हम तो हम पहले सबसे पहले लेट लेते हैं क्यू इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। तो इसके बाद इसको ऐसा क्यों लिया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है और उसमें कॉस फंक्शन का ही यूज़ किया जाता है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो इसमें जो क्यू एम क्या है, क्यू एम इज द मैक्सिमम चार्ज एट क्यू इक्वल टू, जब क्यू एम लेंगे तो एट टी इक्वल टू जीरो रहेगा हमारा। तो टी जब एकदम जीरो रहेगा टाइम हमारा, उस टाइम पे हमारा जो चार्ज रहेगा इन द कैपेसिटर
वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसके चार्ज जो रहेगी वो मैक्सिमम क्वांटिटी में रहेगी। तो जब इसका चार्ज मैक्सिमम क्वांटिटी में रहेगा तो कॉस किस फॉर्म में होना चाहिए, कॉस 90, कॉस 0 के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि कॉस 0 जो होता है वो होता है 1। तो अगर हम फाई को हम 1 चाहते हैं तो हमारा फाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, कॉस फाई इक्वल टू, जब हम 1 चाहते हैं तो हमारा फाई कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है। तो इसी इक्वेशन को हम अब आगे बढ़ाते हैं, तो क्यू इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी। अब ये फाई क्या है, 0, क्योंकि फाई जब 0 होगा तभी हमारा चार्ज जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगा। तो चलिए इसी तरीके से अपने करंट की इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो करंट का हमारा इक्वेशन आएगा वो किस फंक्शन का बनेगा। तो ये हमारा क्लियरली है आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो ये माइनस डी बाई डी टी क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम कॉस ओमेगा टी। इसमें से क्यू एम को आप बाहर निकाल लीजिए तो हमारे अंदर आएगा इसमें डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी का जो वैल्यू होता है, ये सब ओमेगा 0 है, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी का जो वैल्यू है वो क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा 0 टी, और ओमेगा 0 टी का होता है ओमेगा 0। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये बनेगा क्यू एम ओमेगा 0 साइन ओमेगा 0 टी। अब ये क्यू एम ओमेगा 0 जो है वो क्या होता है, आई एम होता है। चलिए इस इक्वेशन को भी समझ लेते हैं हम कैसे होता है। तो हमको मालूम है कि आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। अगर क्यू हमारा मैक्सिमम पॉइंट पे होगा क्यू एम, तो डी टी हमारा भी मैक्सिमम पॉइंट पे होगा टी, और 1/T होता है फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू ओमेगा, तो क्यू ओमेगा हमारा लिख देते हैं हम इसको, सिंपल सा एकदम, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एम, तो क्यू एम ओमेगा 0 इक्वल टू आई को लिखा जा सकता है, आई एम को आई एम साइन ओमेगा 0 टी, और ये हमारा आएगा आई। बहुत सिंपल सा इक्वेशन था। तो इस इक्वेशन से हमको ये पता चला कि जो हमारा आई है वो एक साइन फंक्शन बनेगा जिसका कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा 0 टी के बाद कोई भी यहाँ पास में फाइव की वैल्यू नहीं ली गई है, इसीलिए इसका कोई भी फेज नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वैल्यू है वो कैसे आएगा और कितना आएगा और किस टाइप से वो चार्ज होगा। तो ये हमारी इमेज है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की एलसी ऑसिलेटर की। तो हम चेक करते हैं कि इसको ऑसिलेटर क्यों बोलते हैं। तो ऑसिलेटर का पहले मतलब समझिए, ऑसिलेटर का मतलब होता है कि वो एक पॉइंट पे आपका ऑसिलेट होता रहे, एक पॉइंट पे आपका ऑसिलेट होता रहे। जैसे ये पॉइंट है तो आपका, हम एक पेंडुलम लेते हैं तो वो इस टाइप से आपका मूवमेंट में हमेशा कंटिन्यू बना रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशन, एक मेन पॉइंट पकड़ के, एक बीच का पॉइंट पकड़ के उसके चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। तो इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग लिया गया है और स्प्रिंग को हमारे इस सर्किट से इवेल्युएट किया जा रहा है कि स्प्रिंग के टाइम पे स्प्रिंग कैसे वर्क कर रहा है और इसी टाइम पे एल सी और एल कैसे वर्क करता है। तो हमको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले हमको एक कैपेसिटर लेना है जो फुल्ली चार्ज्ड हो, और उस चार्ज कैपेसिटर को आप बाहर निकाल लीजिए और उसको एल के अक्रॉस में लगा दीजिए। तो इस पॉइंट पे आपका जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है और उसकी एनर्जी भी मैक्सिमम पॉइंट पे है। तो यू ई जो है आपका क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2 C होगा, ठीक है। तो यू ई किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, टोटल एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो यू ई आपको एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर को बिलोंग करता है। तो जब ये फुल्ली चार्ज होगा, ठीक है, तो उसके अक्रॉस में जब हम इंडक्टर को लगाते हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे इस स्प्रिंग को खींच दिया जाएगा टोटली और इसमें पोटेंशियल एनर्जी भर दी जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाता है जब इसको खींचेंगे तो, ठीक है। उस टाइम पे इंडक्टर का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, इंडक्टर का जो एनर्जी होगा वो होगा 0, ठीक है। तो जब अब इंडक्टर को लगाएंगे तो इसमें से
हमारा करंट फ्लो होना चालू होगा क्योंकि अब ये इंडक्टर लोड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और इसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा कैपेसिटर में से। जब कैपेसिटर में से करंट फ्लो होना चालू होगा तो इसमें भी एनर्जी डिक्रीज होना चालू हो जाएगा और इसमें एनर्जी इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें एनर्जी इंक्रीज होना चालू हो जाएगा और इस टाइम पे इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं रहेगा और ये डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस पे इस इमेज पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम स्प्रिंग को खींचे थे, अब इसको रिलीज कर रहे हैं, तो ये अभी इस पॉइंट पे आया हुआ है। जब ये इस पॉइंट पे आया हुआ है, अभी बीचों बीच पे इस पे नहीं आया, इस पे आया हुआ है, तब इंडक्टर अभी आपका फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि आपका जो करंट है वो मैक्सिमम पोजीशन पे अभी नहीं है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम पोजीशन पे कब आएगा, जब आपका कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और एनर्जी ने कैपेसिटर जब जीरो हो जाएगा, तब आपका जो करंट है वो मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा और इस टाइम पे आपका कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब आपका इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, देखिए तो इसको रिलेट किया गया है आपका स्प्रिंग से और स्प्रिंग में ये जो बॉक्स देख रहे हैं डब्बा, ये आपका एकदम सेंटर में आ जाएगा और इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी को रिलेट किया गया है स्प्रिंग में और ये हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम पोजिशन पे रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये, इसमें आप 11th में भी पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब क्या करना है कि अब ये फुल्ली चार्ज तो हो चुका है, अब ये जरूर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट को बनाएगा। तो ये करंट कैसे बनेगा, अब इसमें से करंट फ्लो होना चालू होगा और हमारा कैपेसिटर जो है वो फिर से चार्ज होना चालू हो जाएगा। बस इस टाइम पे इसकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और हमारा इंडक्टर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। देखिए इस टाइम पे फिर से ये वाला पोजीशन जो देख रहे हैं, ये वाला फिर से पोजीशन आ गया। तो ये देखिए, इस बार हमारा पॉजिटिव ऊपर था और नेगेटिव नीचे था, इस बार हमारा नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है। ठीक है, सेम पॉइंट पे है, इस टाइम पे भी जीरो नहीं था, इस टाइम पे भी जीरो नहीं है। जब ये फुल्ली डिस्चार्ज जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी और देखिए फुल्ली कंप्रेस हो चुका है और ये भी हमारा खत्म हो चुका है पूरा का पूरा इसका मैग्नेटिक फील्ड। जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारा कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये सिर्फ हाफ साइकिल के ऊपर ही अभी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। इस पोजिशन पे आपका करंट अभी क्या है, जीरो था, जीरो पोजीशन पे था, उसके बाद धीरे धीरे आपका करंट फ्लो होना चालू हुआ। इस टाइम पे आपका करंट मैक्सिमम पोजीशन पे था यहाँ पास में, अब धीरे धीरे फिर ये डिस्चार्ज होना चालू हो गया, इस पोजीशन पे आ गया और इस पॉइंट पे आपका जो कैपेसिटर है वो फुल्ली सॉरी करंट जो है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया है और देखिए इस अभी ये जीरो पोजीशन पे फिर से अभी आ चुका है। ठीक है, अब ये रिवर्स पोजीशन पे फिर से चलेगा और ये एक साइन फंक्शन बनाएगा इसका नेक्स्ट ऑसिलेशन जब कंप्लीट होगा, तो देखिए इस टाइप से, और ये आपका करंट फिर से इधर से फ्लो होना चालू होगा विद द सेम प्रोसेस। तो ये था हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मेथड विद रिस्पेक्ट टू एलसी ऑसिलेटर के थ्रू में। ठीक है, एलसी ऑसिलेटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक बार इसको अगर आप कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे तो ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा विदाउट इनपुट, मतलब बिना कहीं और से सोर्स लिए बिना। ठीक है, तो ये था एक प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ एलसी ऑसिलेटर की। पर ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर हमको एक सर्किट बनाए और उसको दोबारा एनर्जी देने की हमको जरूरत ही ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस सर्किट में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहला तो सिंपल से एक रीजन है कि जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो बिकॉज ऑफ दिस वायर इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। क्या होगा, वायर में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, और जब इसमें से करंट इस वायर में से करंट फ्लो होगा तो इसमें से हीट डिसिपेशन होना कंपलसरी है, और जब इसमें से हीट डिसिपेशन होगा तो पावर लॉस भी होगा, और जब इसमें से पावर लॉस होगा तो इसमें चार्ज कम हो जाएगा, करंट की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसमें से करंट कम होगा तो धीरे धीरे जो ऑसिलेशन देख रहे हैं,
ये कम होना चालू हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि इसके रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल के बराबर है, तो हमारा जो साइन है वो कैसा बनता, वो इसका एम्पलीट्यूड एकदम बराबर बनता, और इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं इसको? अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। पर हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस, वायर में रेजिस्टेंस होता है और इसके क्रॉस में पावर हमारा डाउन हो जाएगा, ठीक है। पर जब ऐसा होगा तो हमारा जो ऑसिलेटर है वो फंक्शन साइन का तो बनाएगा, पर डैम्प्ड ऑसिलेटर का बनाएगा, और धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डाउन होना चालू हो जाएगा। तो ये था हमारा एलसी ऑसिलेटर के बारे में, ठीक है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है और कि अगर इसके रेजिस्टेंस को हम जीरो ले भी लेते हैं तब भी ये अनडैम्प्ड ऑसिलेटर बना नहीं पाएगा। एक और रीज़न है इसका। पहला तो बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस। अगर इसका वायर का रेजिस्टेंस जीरो भी हो जाए, नेग्लिजिबल के बराबर भी हो जाए, तब भी इसमें से जब करंट फ्लो होगा या फिर इंडक्टर में से जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करेगा और उसके कारण भी हमारा पावर में लॉस होगा ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको बोलते हैं, वो हमारा अगला चैप्टर है। उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल से वेव्स हैं, उसको आप समझ पाएंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल तो आप एलसी ऑसिलेटर पे ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आपको अब ये एलसी ऑसिलेटर अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये चार्ज होगा और कैसे ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग मेथड देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आधे साइकिल के लिए ही है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपका T/4 पोजीशन पे था और ये वाला आपका T2 पोजीशन पे था, मतलब सिर्फ क्वार्टर में ही आपका ये फुल्ली करंट चार्ज हो गया था। ये आपका आधा साइकिल कंप्लीट हुआ था टाइम के लिए, सॉरी करंट के लिए, ठीक है। फिर ये आपका नेगेटिव रिवर्स में करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा और आपका ये वाला करंट भी फ्लो होना चालू हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि एलसी ऑसिलेटर कैसे वर्क करता है और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन में साइन वेव कैसे आता है। तो इसके अलावा भी अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।